हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के टेक न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना किसी भी तरीके का कीमती सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे डेली टेक न्यूज लाता रहता हूँ। आज की पहली टेक न्यूज ओप्पो को लेकर आ रहे दोस्तों। ओप्पो का जो रेनो 3 प्रो है उसकी इंडिया लॉन्चिंग डेट कंफर्म कर दी गई है। इसे 2 मार्च को इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चाइना और इंडिया वाले जो प्रोडक्ट है दोस्तों, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को कल के टेक न्यूज में बतला दिया था। और अगर आपने अभी तक उस बात को नहीं देखा, उस न्यूज को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप कल का टेक न्यूज जाके जरूर से देख लेना। अगली न्यूज गूगल की ओर से निकल के आ रही है। गूगल का जो एक छोटा सा डेटा था दोस्तों, वो गलती से पब्लिश्ड हो गया, जिसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन हमें फायदा जरूर हो गया दोस्तों। गूगल जो कि एंड्रॉयड 11 इस साल लेके आने वाला दोस्तों, उसकी जो डेवलपर रिव्यू थी वो गलती से अनवील कर दिया गया, गलती से उसे साइट पे पोस्ट कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद गूगल ने उसे तुरंत ही हटा दिया था, लेकिन तब तक बहुत सारे वेबसाइट ने इसे देख लिया था, जिससे हमें यह पता चल पाया दोस्तों कि बहुत से नए नए और अच्छे अच्छे फीचर्स एंड्रॉयड 11 में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली अपडेट Xiaomi को लेकर आ रही है। Xiaomi का जो Mi 10 है दोस्तों, लॉन्चिंग के साथ आज इसका पहला सेल था चाइना में, जो कि एक बहुत ही बड़ा धमाल मचा के रख दिया दोस्तों। इन्होंने मात्र 1 मिनट में 200 मिलियन युआन के फोन बेच दिए दोस्तों। अभी तो इसकी क्वांटिटी कंफर्म नहीं की कि कितने सारे प्रोडक्ट इसे सेल करें, लेकिन इन्होंने इतना जरूर बताया कि 200 मिलियन युआन दोस्तों 200 मिलियन युआन, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, इतने कि इन्होंने फोन को सेल कर दिया। और मैं आप लोगों को एक और गुड न्यूज बता दूं दोस्तों कि मनु कुमार जैन जो कि इंडिया के Xiaomi के सीईओ है, उन्होंने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि बहुत ही जल्द आपको Mi 10 5G वेरिएंट वाला ही फोन इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि यह स्मार्टफोन इंडिया में कब तक आता है और किस प्राइस रेंज पे आता है। अगली न्यूज Xiaomi को ही लेके आ रही दोस्तों। Xiaomi ने एक अपना नया प्रोडक्ट चाइना में आज लॉन्च कर दिया है, जो कि ऑल इन वन कंप्यूटर है दोस्तों। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो प्रोडक्ट का नाम रखा गया है Nigami CR600 है दोस्तों। यह एक बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट है। ऐसे ये इस तरीके का प्रोडक्ट एप्पल बहुत ही पहले ला चुका है मार्केट में दोस्तों। तो Xiaomi में इस तरीके का प्रोडक्ट चाइना में लेके आ चुका है। अगर इसके हम कुछ और डिटेल की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक i3 वाला प्रोसेसर और एक i5 वाला प्रोसेसर के साथ यह कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया गया। और इसकी कीमत की बात कर लेते तो इसे 3199 युआन में, जो कि इसका लोएस्ट वर्जन है, उसकी कीमत रखी गई है। तो Xiaomi इस तरीके का प्रोडक्ट इंडिया में लेके आ तो सकता है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसे लाने के बाद जो इसके टैक्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसी वजह से Xiaomi ऐसे प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च नहीं कर पाती है। अगली न्यूज जो है वो Q4 2019 में के एक सर्वे को लेके आ रही है दोस्तों। सर्वे में यह पाया गया दोस्तों कि जो इन्होंने पूरे Q4 2019 में स्मार्ट स्पीकर की सेल थी दोस्तों, उसमें Amazon जो है सबसे नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है, उसके बाद Google है, और सबसे अगर हम आखिरी नंबर की बात करें दोस्तों तो वो Apple का नाम निकल के आता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आप कोई भी तरीके का अगर स्मार्ट स्पीकर यूज़ करते हैं तो किस ब्रांड का करते हैं, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बता देना दोस्तों। अगली न्यूज़ Realme को लेके आ रही है। Realme का जो X50 Pro 5G वेरिएंट है दोस्तों, उसका एक और लीक सामने निकल के आया, जिसमें यह पता चल पा रहा है कि इस फोन में आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आप मात्र 4000 mAh की बैटरी को मात्र 30 मिनट में फुल चार्ज कर पाएंगे। तो हमें लगता है दोस्तों इस साल हमें फोल्डेबल स्मार्टफोन और फास्ट चार्जिंग के मुकाबले इन दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि कौन सी कंपनी और क्या क्या नया नया लेके आ पाती है। अगली न्यूज जो है वो वन प्लस की ओर से निकल के आ रही है। वन प्लस का अपकमिंग स्मार्टफोन वन प्लस 8, जिसे गीक बेंच पे सपोर्ट कर लिया गया दोस्तों। इसमें हमें कुछ इसके स्पेक्स वगैरह सामने निकल के आया, जिससे हमें यह पता चल पा रहा कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 8GB का रैम भी देखने को मिल जाएगा।
और इसमें जो एक और अभी जैसे ही मैंने आप लोग को बताया दोस्तों चार्जिंग के मुकाबले, तो इसमें भी आपको 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो वन प्लस है अपने इस स्मार्टफोन को कब लेके आता है, और अगर आपको एक रूमर्स के मुताबिक बता दें तो यह मार्च या अप्रैल के महीने में इसे मार्केट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगली न्यूज़ जो है वो जियो गीगा फाइबर को लेके आ रही है। जो जियो गीगा फाइबर है उसकी फिर से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने निकल के आई है। नेटफ्लिक्स है वो हर महीने दोस्तों अपने स्पीड टेस्टिंग को शोकेस करता है, जिसमें जियो गीगा फाइबर फिर से टॉप पर बना हुआ है दोस्तों। यह लगभग 3.63 Mbps एवरेज स्पीड है दोस्तों, उसके हिसाब से यह नंबर वन पोजीशन पे बना हुआ है। और उसके बाद और भी बाकी सारे ब्रांड्स के नाम आते हैं, तो आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अभी तक जियो गीगा फाइबर का इस्तेमाल किया है। अगर किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बतला देना दोस्तों। अगली न्यूज़ जो है वो गूगल को ओर से निकल के आ रही है। गूगल अपना एक नया फीचर बहुत ही जल्द आपको देने वाला है दोस्तों, जो कि इमोजी किचन के नाम से आएगा। यह आपको जी बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, और अगर आपने अभी तक जी बोर्ड को अपडेट नहीं किया है तो जाके आप इसे अपडेट कर ले और इस फीचर्स का मजा ले पाएंगे दोस्तों। अगली न्यूज़ जो है वो पबजी को लेके आ रही है दोस्तों। पबजी मोबाइल नहीं दोस्तों, पबजी पीसी की मैं बात कर रहा हूँ। पबजी पीसी जिसमें वर्जन 6.2 के अपडेट के बाद आपको इसमें 8 vs 8 TDM मैच खेलने का मजा मिल पाएगा दोस्तों। एक बार में आप पहले जित सभी को पता होगा जो पबजी गेम खेलते हैं, एक बार में आप मात्र 4 प्लेयर ही जा पाते हैं दोस्तों। अब आपके स्क्वाड में 8 प्लेयर्स एक साथ जाएंगे, तो देखते हैं कि यह फीचर कब तक हमें ग्लोबली तरीके से देखने को मिलता है दोस्तों। अभी यह बीटा वर्जन पे दिया गया है, तो अगर जैसे ही इसके ग्लोबली वर्जन आएंगे दोस्तों मैं आप लोगों को अपने टेक न्यूज में जरूर से बतला दूंगा। अगली और आखिरी न्यूज जो है वो टेक्नो को लेके आ रहे दोस्तों। टेक्नो कॉमन जो कि एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लेके आने वाले हैं, टेक्नो कॉमन 15 के नाम से। इसमें पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और इसकी लॉन्चिंग डेट भी आज कंफर्म कर दी गई है, 20 फरवरी को आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके के नए टेक्नोलॉजी के लिए आप एक्साइटेड होते हैं दोस्तों, या फिर आपको जो पुराने सारे ब्रांड चल रहे हैं सैमसंग आपको देखने को, वन प्लस, सोमी, रियलमी, इन सभी में एक्साइटेड होते हैं। जो भी आपका सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर से बता देना। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का टेक न्यूज़ डेली लेके आता रहता हूँ। बस जय हिंद, जय भारत।